आदरणीय सात संगत जी प्यार से कहना धन निघा जी सात संगत जी दासी एक कॉलेज में पढ़ाती है और युवा पीढ़ी से 15-16-17-18 साल के बच्चों के साथ बात करने का उनको समझने का अवसर प्राप्त होता है जब दासी उनको समझती है तो देखती है कि उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें बहुत एंथजियाजम है उनमें बहुत पावर है उनमें बहुत एनर्जी है लेकिन दासी साथ में ये भी एक प्रश्न उठाती है कि क्या गारंटी है कि वो एनर्जी और वो एंतुजियाज़म जब वो बड़े होंगे आइडियल सिटीज़न की तरह राइट ट्रैक पे यूज़ करेंगे कि नहीं क्या जो किताबी नॉलेज हम उनको दे रहे हैं क्या वो पूर्ण पूर्ण रूप से उनके लिए उपयुक्त है किताबी नॉलेज हम बदल नहीं सकते जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस देते हैं जो भी हमारे रिजिट सिलेबस हैं हम उसको फॉलो करके उनको एजुकेशन देते हैं चाहे वो सब्जेक्ट्स की एजुकेशन है वोकेशनल स्टडीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं ये इन एजुकेशन के अलावा हम उनको कोई एजुकेशन नहीं दे पाते हैं इस एजुकेशन से वो मटीरियल लाइफ में कैसे जीना है वो तो सीख जाते हैं रैट रेस में कैसे भागना है वो तो सीख जाते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस रेस का कोई डेस्टिनेशन नहीं है जेनरेशंस टू जेनरेशंस हैव बीन रनिंग फॉर दिस रैट रेस देर इज़ नो डेस्टिनेशन दैट दे हैव एवर व्यूड फ्यू आर सक्सेसफुल एंड फ्यू आर डिसपॉइंटेड द डिसपॉइंटमेंट लीड्स टू मैनी एंड मैनीवल थाट्स इन द माइंड इट लीड्स टू वायलेंस इट लीड्स टू ओल्ड द अनहैपीनेस दैट वी सी अराउंड अ वर्ल्ड इट लीड्स टू द डिल्यूजन ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड तो दासी ये देखती है कि रैट रेस में भाग रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए भाग रहे हैं लेकिन जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको और सक्सेस चाहिए और जो फेल हो जाता है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है बहुत ही निराश हो जाता है और गलत रास्ते पर चलने लग जाता है एज डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड वायलेंस डिनाइज ह्यूमन इंटीग्रेटी इट लीड्स टू होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस और यही हम अपने समाज में देख रहे हैं कि अगर उनकी एनर्जी सही ट्रैक पर यूज़ नहीं होती है और गलत ट्रैक पर यूज़ होती है तो उससे सिर्फ निराशा और असहायता बढ़ जाती है तो उस किताबी नॉलेज का क्या फ़ायदा जो हम एजुकेशन फील्ड में दे रहे हैं एजुकेशन बहुत इम्पॉटेंट है वी नीड टू मोल्ड द चाइल्ड बट वी रियली नीड टू अनफोल्ड द चाइल्ड स्परिचुअली एजुकेशन के साथ स्परिचुअल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है यही सदगुरु बाबा जी हम सब को सिखा रहे हैं और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें एजुकेशन के साथ स्परिचुअल नॉलेज निरंकार का ज्ञान गुरु का ज्ञान गुरु मत पे चलने का अवसर प्राप्त होता है और उस कारण हमारा लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ हैज़ गॉट पीस लाइफ हैज़ गॉट कंटेंटमेंट आज आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल कहीं दूर नहीं है हमारे चारों तरफ हैं वंस बाबा जी ऑल्सो स्ट्रेस्ड इन दिस समागम विच वॉज हेल्ड इन बर्मिंगम यू के इन टू थाउजेंड ट्वेल्व that we should bring youth in front they should be brought in front they should be totally involved because they have got bubbly enthusiasm itna enthusiasm aur itna power hai ki a young generation ko spiritual world mein laake unko aage khada karna chahiye agar hum aas paas dekhe aap dekhenge samagam mein kitne camps lage कोई पब्लिकेशंस है कोई प्रेस है कोई अकाउंट्स ऑफिस है कोई एस एन सी एफ है कितने चैरिटेबल फाउंडेशंस, कितने चैरिटेबल वर्क हम लोग कर रहे हैं और आप देखेंगे कि निरंकारी मिशन की यूथ इज़ एक्चुअली ऑन अ राइट ट्रैक हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी जगह पे लग रही है सेवा दल की रैली हो जैसे बाबा जी ने बोला बहुत अच्छा लगता है कि जब यंगस्टर्स आगे खड़े होके देखते हैं तो ये एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारी किताबी एजुकेशन के साथ तो हम बहुत खुश हैं कि हमें निरंकारी मिशन को जानने का बाबा जी के आदेशों को मानने का अवसर मिलता है और हम यही चाहते हैं कि हम इस जिस तरह गुरु हमें चलाना चाहता है हम उस तरह रहें और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी आगे लाएं ताकि वो पर्याप्त रूप से ज़िंदगी अच्छी तरह जी पाए साथ संगत ची धन्य